मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक औसत से 5% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई महीने में अधिक बारिश होगी। मौसम विभाग ने भोपाल, खरगोन, खंडवा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, पांडुर्ना और अनूपपुर में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। भोपाल के लिए येलो अलर्ट, तो वहीं सीहोर, ग्वालियर, चंबल संभाग, निमाड़, मालवा के कई शहरों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल में मानसून का 50% कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस सीजन औसत से 5% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि जुलाई में कोटा पूरा हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अब तक 15% कम बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में 7% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। वहीं उज्जैन क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। निचली बस्तियां जलमग्न हैं, कई घाट और मंदिर डूब गए हैं। दूसरी ओर राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भरने वाली कोलांस नदी का जल स्तर भी 1 फीट बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 25% यानी 9.3 इंच बारिश हो चुकी है। यह औसत बारिश से 5% कम है। वहीं दूसरी ओर हरदा में महज 4 घंटे हुई बारिश से सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। नर्मदा सहित प्रदेश की अन्य नदियां उफान पर आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून टर्फ मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। साइक्लोन सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव है, जिसके चलते प्रदेश में आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।